एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। सर एक सवाल है कि बहुजन युवाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज का ये टॉपिक मुझे यूथ फॉर सोशल जस्टिस के जो प्रेसिडेंट हैं तो सुरेंद्र जी की तरफ से मुझे एक आदेश किया गया था कि बहुजन युवाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान, और इसमें ही मैंने जो अपनी बातें रखी, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, युवाओं की पॉपुलेशन है, जो भारत सरकार जो सरकार ने 15 से 35 साल का फिक्स कर रखा है, तो उसमें करीबन 54-55% जो है युवा है, इस एज ग्रुप में आते हैं 15 से 35 साल वाले में आते हैं हम लोग। क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए 35-36 साल वालों को ऐसा नहीं है कि हम उनको युवा की कैटेगरी से बाहर कर देंगे आज, क्योंकि एवरेज जो एज जो है जीवित रहने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मोर देन 65 ईयर है, तो हम 45 साल तक के लोगों को मैं युवा मानता हूँ, और ये देश में मैं नहीं पूरा देश मानता है, क्योंकि देश की जो हमारी रूलिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी उसके भी प्रेसिडेंट हैं तो युवा ही हैं, और भी दूसरे जो है युवा 45 साल के। अभी आप देखिए देश का जो हम कहते हैं युवा जो है भविष्य है, किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का भविष्य होता है, तो जाहिर तौर पे इनके ऊपर, क्योंकि ये पॉपुलेशन ज़्यादा है 54% है, तो इनके ऊपर ज़्यादा भार है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी है। वो कैसे, क्योंकि देखिए किसी भी देश के विकास के लिए, किस विकास के लिए हमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ होना होगा, और ये सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक तौर पर ये आज का युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग ही जो है इसको आगे लेके जा सकता है, उनको उस क्षेत्रों में आर्थिक क्षेत्र में उनको अच्छा करना होगा, जिम्मेवारी लेनी होगी और आगे ले जाना होगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको आगे आना होगा प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के साथ आप आ जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हमारे जो बहुजन समाज के जो युवा हैं इनको आगे आना होगा। पेशेंस जो हमने कहा कि पेशेंस फिर हमारे लोगों में जो है पेशेंस नहीं है, तो इसकी भी आवश्यकता है, डिसिप्लिन की भी आवश्यकता है, तो इन सभी चीज़ों के साथ सामाजिक तौर पर जैसे कि हम लड़ रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, तो सामाजिक तौर पर भी हमें सुदृढ़ होना होगा, और तभी जाके जो है हमारे जो युवा वर्ग जो है इसमें पूरे देश का जो एक निर्माण, पूरे देश का भार जो है अपने कंधों पर। सर जैसा कि जाने अनजाने में सुनने में आता है कि उच्च शिक्षा से बहुजन समाज को वंचित रखा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा जैसे दो तरह की, व्यक्तिगत शिक्षा हो गई जो ग्राउंड लेवल की जो एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन, मुझे लगता है बेसिक लेवल के एजुकेशन से उतना वंचित नहीं रखा जा रहा, उसको दूसरे तरीके से वंचित किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में अगर हम जाते हैं गाँव में, छोटे शहरों में, राज्यों में, तो लोग 1 से 10 क्लास तक वहाँ पर देखते हैं सरकारी स्कूलों में टीचर रिटायर्ड होते जाते हैं, उनकी पोस्ट नहीं भरी जाती है, या गेस्ट टीचर रख लिया जाता है, या बहुत बहुत जगह देखिएगा कि जो शिक्षक है सरकारी स्कूल में वो पढ़ाते नहीं है, बच्चों का क्लास नहीं लेते, और उसकी जगह प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा ये होता है, मगर जो बहुजन समाज का जो बच्चा है, जो गरीब तबका का बच्चा है, वो सरकारी स्कूल ही देखता है, सरकारी स्कूल की तरफ नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ शिक्षक नहीं रहेंगे, अच्छी सुविधाएँ नहीं रहेंगी, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से देश का भविष्य का निर्माण होगा, तो एक दूसरे तरीके से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास BEd MEd किए हुए नहीं है, इस देश में BEd MEd किए हुए कंप्यूटर है, मगर सरकार जो है बहाल नहीं कर रही है, सरकार तरह तरह का बहाना करती है, तो ये बेसिक एजुकेशन आइए आप उसके ऊपर आ जाइए, हायर एजुकेशन में मेडिकल में आ जाइए, इंजीनियरिंग में आ जाइए, मैनेजमेंट के आ जाइए, हर जगह आप देखिए कि जो है जो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, तो एक तो पहले वहाँ पे एडमिशन होना मुश्किल है, अगर बच्चे अगर क्वालिफाई एग्जामिनेशन है क्वालिफाई कर भी जाते हैं MBBS में, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, अभी आपने सुना होगा ये पिछले दिनों काफ़ी चर्चा थी, मेडिकल कॉलेजों का फी जो है, ट्यूशन फी जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये समझिए कि गरीब का बच्चा अगर वो मेहनत करके मेडिकल का एग्ज़ाम पास कर जाता है MBBS के लिए,
अगर कहीं यूपी के किसी कॉलेज में, महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है या पीजी, तो उतनी वो गरीब ठेला वाले जो सब्जी बेचने वालों का बच्चे के बाद इतना फी नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो कहने का अर्थ है कि जो बेसिक ये जो एजुकेशन है, बेसिक और हायर एजुकेशन, सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो वंचित समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको समुचित सहयोग मिले, उसका भी बच्चा पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने। जाहिर सी बात है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, तो आप डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस कहाँ से बनेंगे। सब सपना दिखाने की बात है। सरकार तो कहती है कि जी हमने एजुकेशन फ्री कर दिया, तो मैं ड्रेस भी दे रहा हूँ, किताब भी दे रहा हूँ, लड़कियों को साइकिल भी दे रहा हूँ। अब जाके देखिए ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलता, सरकार जितना दावा करती है उतना नहीं मिलता। अगर जो कुछ भी दी भी जाती है तो इंफीरियर क्वालिटी का होता है। आप देखिए बहुत सारी सरकारों ने, मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, पूर्व की सरकार जो थी, उन्होंने लैपटॉप बांटा, टैबलेट्स बांटे, और देखिए कितने टैबलेट्स, कितने लैपटॉप अभी चल रहे हैं, सब खराब हो गए, या वो जो है प्रॉपर एक जो अपडेटेड भर्सन नहीं है, तो वो हवा करती है। तो ये वंचित रखा जा रहा है हमारे लोगों को, ये तरीका अपनाते हैं, समाज संसद में कुछ कहते हैं, मंचों पे कुछ कहते हैं और उल्टा करते हैं, इस तरीके से ये वंचित। बहुत सारी जगह अभी देखिए, अभी हमें कल भी, मुझे अभी खुद नहीं पता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 कॉलेज हैं, खालसा कॉलेज और भी 4 कॉलेज हैं, जिनमें की जो शेड्यूल कास्ट SC ST का जो रिजर्वेशन था, एडमिशन में खत्म कर दिया गया। बताइए देश की राजधानी में दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर ऐसा हो रहा है तो ये खत्म कर दिया गया, तो देश की दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन क्या सो रहा है, देश के नेता संसद सो रहा है क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग सो रहा है क्या। तो सरकार ने तो पूरी सिस्टम ही ऐसी बना दी कि सोने वालों की भरमार कर दी है, खाली दिखाने को सब कुछ है मगर करने को कुछ नहीं है, करने वाले को। सोने वालों का हर जगह पूछे, अगर आपने अपने अधिकार की आवाज़ उठा लिया तो आपको हर तरीके से परेशानी है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, पिछले 4 साल में ये वाला जो बहुजन है ज़्यादा परेशान हो गया है, इस मामले में आप सरकार को क्या सफल और असफल क्या राय देना चाहेंगे? देखिए बहुजन समाज, एकदम आपने सही कहा, बहुजन समाज को परेशान हो गया है। बहुजन समाज तो बहुत वर्षों से परेशान है, मगर ये पिछले 2-3 साल जो गुजरे हैं, आप उसमें उठा के देख लीजिए, क्योंकि बहुजन समाज को चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप जिस क्षेत्र में भी देखिए, एजुकेशन का हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर जगह परेशान किया जा रहा है। परेशान करने के तरीके ये लोगों ने अपने हिसाब से ढूंढ लिया है और ये परेशान कर रहे हैं, और हमारे लोगों को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख लीजिए कहीं भी बहुजन समाज, अब देखिए मॉब लिंचिंग की बात देख लीजिए, अगर कोई एक मुस्लिम गाय लेके जा रहा हो तो लोग ये कहते हैं कि जी गौ हत्या, गौ तस्कर है, उसकी हत्या की जा रही है। एक शेड्यूल कास्ट समाज का लड़का अगर किसी ऊंची जाति की लड़की से अगर प्रेम करता है तो उसके घर वालों को उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या की कर दी जाती है। तो ये तरीके अपना लिए गए, लोगों को परेशान किया जा रहा है, और बहुजन समाज पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये 21वीं सदी में ये हम कर क्या रहे हैं। हमारा समाज इतने प्रताड़ित होने, इतनी जुल्म पिछले 3-4 सालों में इतनी जुल्म की जा रही है, फिर भी ये लोग सोए हुए हैं। ये सोचते जब दलितों पे हमला होता है तो हमारे दलित भाई सोचते हैं कि अरे छोड़ दो भाई, हम देख लेंगे। मुस्लिम सोचता है कि अरे दलितों पे हमला हो रहा है, फिर मुस्लिमों पे जब हमला होता है तो दलित कहते हैं कि अरे उन पे हमला हो रहा है। तो ये देखने की बात जो है ना, ये सबसे खराब प्रवृत्ति है। हमें लगता है कि सबको इकट्ठे आके इकट्ठे लड़ना होगा, नहीं तो ये प्रताड़ित करने वाले लोग जो है, परेशान करने वाले लोग हैं, एक एक करके परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, महिलाओं को भी परेशान किया जा रहा है, आप देख लीजिए ना हर जगह, और हर बार लोग यही कहते हैं अरे छोड़ो ना उनकी समस्या है, वो अपना संभाल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमें सबको एक मंच पे आना होगा, क्योंकि ये परेशान करने वाले बहुत कम लोग हैं, इनकी संख्या कम है, मगर ये परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। और आज देखिए पिछले 3 साल में ऐसा कर दिया है, इस देश का जो मूल निवासी है, जो हमारा बहुजन समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज विशेष करके,
इनका इन्होंने तो जीना दुर्लभ कर दिया है। अगर आप कुछ हक की बात कीजिएगा आपको कुछ ना कुछ आरोप लगा के मार दिया जाएगा। अब देख पिछले 3 साल में उठा के देखिए मॉब लिंचिंग की घटना होती है, कभी ये कर दिया जा रहा है बच्चा चोरी। अरे भाई देश में बच्चा चोरी होता था मगर ऐसा नहीं है, उनको मार दिया जा रहा है झूठे आरोप लगा के। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मेरे आश्चर्य होता है मुझे जब आसाम का मैं देखता हूँ कि बच्चा चोरी की घटना का आरोप लगा के इंजीनियर्स को मार दिया जाए, टूरिस्ट थे वो घूमने गए उनको मार दिया गया। तो ये एक इनकी साजिश है कि पार्टिकुलर एरिया के लोग उस एरिया में नहीं जाए, लोगों को जिस लोगों को अपने आप में बांधना चाहते हैं वो कि वो उसी में लोकलाइज है पूरे देश का मूवमेंट नहीं हो। तो ये तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे परेशान करना है। हमें इनकी नीतियों को, हमें इनकी जो इनके जो चाल हैं, इनके साजिश हैं, इनको समझना होगा और मिलजुल के लड़ना होगा। और मैं तो देखिए आप ये कहता हूँ, मैं मेरा अपना अपना मत है और मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पूरा देश मुझसे सहमत होगा कि आज बहुजन समाज के मामले में ये सरकार न्याय दिलाने के मामले में फेल है। ये सरकार जो है सिर्फ दिखावा करती है, सिर्फ बकवास करती है, ये सरकार फेल है। और अगर मैं तो बहुजन समाज को आह्वान करता हूँ कि भाई अगर आपने आने वाले समय में जो कि अगले साल आने वाला है 3-4-5 महीने के बाद आपने इनको नहीं उखाड़ के फेंका तो इससे भयावह स्थिति होगी और हमारे लोगों को जो सर छिपाने की जगह नहीं होगी, ये लोग फिर वापस जंगल की ओर भागने को मजबूर हो जाएंगे। और ये जो 10-15% लोग हैं हमारे लोगों को इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको जंगल की ओर भगा देंगे। तो एकदम आपको उखाड़ फेंकना होगा हमारे बहुजन समाज को, किसी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ भाई आप जहाँ भी लोकसभा विधानसभा लोग इतने तो जागरूक हैं, इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, आप देखिए कि कौन सा उम्मीदवार जीतने लायक है, कौन सा आपकी आवाज़ उठाने लायक है, कौन सा ईमानदार है। आप उसको चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सिर्फ एक पार्टी छोड़ के किसी भी पार्टी का हो उसको वोट दीजिए। भाई ये नहीं कहता कि फलाने पार्टी को वोट दीजिए, जिस भी पार्टी को देना हो अब उम्मीदवार को देखिए कौन कम्पिटेंट उम्मीदवार है, कौन आपके साथ खड़ा है अधिकारों की बात करिए।